हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। तो अभी 12:30 हो गए हैं दोपहर के, और आज हम सुबह से ना डीमार्ट गए थे। डीमार्ट में बहुत सारी हमने शॉपिंग की। स्कूल अभी चालू होने वाले हैं ना, तो स्कूल बैग लेनी थी मुझे, मेरे शूज लेने थे, तो ऐसे ही छोटी मोटी सी चीजें हम लेके आए। तो आते आते हमें कुछ 11:30 हो गए, और उसके बाद फिर झाड़ू लगा दिया, पोछा भी बाकी है, वो अभी खाना खाने के बाद हो जाएगा। कपड़े तो ऐसे ही रखे, वो तो शाम को ही अभी करने पड़ेंगे। और तुरंत मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज हम लोग बना रहे हैं पूरी, रस, चावल और जो कैरी की गोटी होती है ना, उसमें से कड़ी बनती है, तो उसे कहते हैं हम फजेतो। तो फजेतो बना रहे और आलू की सूखी सब्जी बना रहे। तो चलिए, कितनी तैयारी की है वो मैं आपको। आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए ना, आलू यहाँ पर अभी मैंने उबाल दिए, लेकिन काफी गर्म है इसीलिए अभी इसे छीलना है। पूरी यहाँ पर मैंने ना बेल के तैयार कर दी है, ताकि मैं फटाफट से उसे फ्राई कर लूँ, और तेल ज्यादा देर तक फिर गर्म ऐसे ही ना रखना पड़े हमें। और थोड़ी पूरियाँ भी है, थोड़ी तो नहीं है लेकिन ज्यादा, इतनी पूरियाँ मुझे अभी बेलने की है। तो पहले मैं पूरी बेल रही थी, क्योंकि जो आम है, आम अभी यहाँ पर काट के रखे हैं, इसका अभी है ना वो रस बनाना है। तो अभी हैंड मिक्सी जो आता है ना, ब्लेंडर, उससे अभी रस बना लेंगे। और फजेतो के लिए है ना, यहाँ पर जो गुटली होती है ना, उसे इस तरीके से पानी के अंदर ही हमें धो देनी है ऐसे। तो ये आम का जो रस है ना, वो उसमें से निकलेगा और उसकी कड़ी हम बनाएंगे। हम जो फजे तो बनाने वाले हैं ना कड़ी, उसके लिए हमने इसमें छाछ, बेसन और जो आम की गुठलियों का जो रस बचा था ना, वो इसमें डाल दिया है, और अभी इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। सूखी सब्जी हम बना रहे हैं, तो जिसके लिए तेल मैंने कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है, और उसमें अभी मैंने जीरा डाल दिया है। और आलूओं को है ना बड़ा बड़ा सा हमें काट लेना है। अभी इसमें मैंने हींग पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर, और जीरा जो है ना वो अच्छे से चटक जाए ना, उसके बाद इसमें हमें आलू डाल देते हैं। आलू में आज मैं हरा मसाला नहीं डालूंगी, हमारे जो रेगुलर सूखे मसाले हैं वो ही डाल के मैं बना रही हूँ। इससे भी आलू की सूखी भाजी है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। अभी इसमें जाएगा धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से हमें इसमें नमक डाल देना है। चीनी अगर आप खाते हो तो इसमें डालिएगा, उससे स्वाद अच्छा आता है। इसमें चीनी, और अभी इन सभी को अच्छे से मिला देना है। तो अभी हमारी आलू की सूखी वाली सब्जी है ना, वो तैयार हो चुकी है, और ये सब्जी पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो हमें घी में बनाना है, तो घी अभी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। घी गर्म होते ही उसके अंदर हमें जीरा डाल देना है, और कुछ खड़े मसाले लेने हैं, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग और ये दालचीनी, ये हमें इसमें डालना है साथ ही साथ। अभी इसके अंदर हम डालेंगे हींग पाउडर, और जो ये हमने मिक्स किया था ना, वो हमें डाल देना है। अभी इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालनी है, क्योंकि ये जो पीला कलर है ना, वो आम के वजह से ही आ गया है, तो काफी अच्छा लगता है। और अभी इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे हम, जितना तीखा खाते हो ना उस हिसाब से इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देना है, और धीमी आंच पे उबलने देना है। मैंने इसमें चीनी डाली थी थोड़ी सी, अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए ना तो डालिएगा, नहीं तो चीनी की इसमें जरूरत नहीं होती है। और बस अभी इसे हमें धीमी आंच पे अच्छे से उबलने देना है। दोस्तों, गर्मा गर्म अभी
मेरी पूरी सिर्फ बाकी है वो अभी मैं बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आज का ट्रेडिशनल जो हमारा खाना होता है ना उसे आज हम एंजॉय करने वाले हैं। वैसे तो मूंग की दाल अच्छी लगती है लेकिन ये अचानक से ही हमारा प्लान हो गया ना इसलिए मूंग की दाल भिगोना और भूखना मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए मैंने सिर्फ आलू की सूखी सब्जी बना ली। लेकिन आज का खाना ट्रेडिशनल है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी।